सो गाइस मैं भी जा रहा हूँ घर, तो मैं जा रहा हूँ वापस। मज़ा आ गया मेरे को, छुट्टी नहीं दी उसे, मतलब मैं ब्लॉग बनाने नहीं रहा था। तो क्या इसने ब्लॉग छोड़ दिया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या सुहाना मौसम है गाइस, काफ़ी सुंदर मौसम है, मस्त लग रहा है। देखो बराबर इतने सुबह सुबह गाइस, व्यू काफी नज़ारा खतरनाक लग रहा है। देखो इधर उधर मस्त लग रहा है, ओ माय गॉड, ऊपर का देखो क्या सही लग रहा है सीन। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ मेरे चैनल पे, मतलब अराउंड कम से कम 2 महीने हो गए होंगे तब से मैं, आज ये मेरा पहला ब्लॉग। तो अभी गाइस मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ कॉलेज। गाइस मौसम काफ़ी सुहाना है और इस सुहाने मौसम में मैं जा रहा हूँ अकेले ही कॉलेज में सुबह सुबह, वो भी 6 बज रहे अभी। और भाई इतनी तेज़ बारिश आ रही थी कि पूछो ही मत, की वजह से देखो मेरे पीछे देखो गाइस खेत में कितना सारा पानी जमा हो गया है। देखो ठंड तो इतनी है कि पूछो ही मत। देखो मैंने कॉलेज के साथ मतलब जॉकेट लगा के जा रहा हूँ कॉलेज में, इतनी ठंड है ना, ये भी मान के जा रहा हूँ मुँह पे। तो मैं आज अकेले जा रहा हूँ गाइज, मेरा फ्रेंड नहीं गया, वो शायद उसको कॉल किया मैंने लेकिन वो नहीं आता बोला, तो मैं अकेला जाऊँगा 5 किलोमीटर चल के। और वे सुबह सुबह कितना प्यारा व्यू है गाइज, काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है। देखो कितना मस्त व्यू है, आपको दिखाता हूँ एक बार। You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. कॉलेज में सीधा मिलेंगे कॉलेज में ही, क्योंकि कॉलेज में मजा आता है। एंड गाइज यहाँ पे चल रहा है काम, नाले का काम चल रहा है। देखो आपको लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखो कितना गहरा खड्डा बना दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे पुल का काम चालू है, काफ़ी महीने से चालू है बट आज तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, काफ़ी मेहनत लग रही है। देखो उधर है वो लोग काम करने वाले, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओ माय गॉड, देखो गाइज क्या खतरनाक है। सो गाइज आप लोग बताओ कि ये बादल कैसे लग रहे हैं, मतलब आसमान देखो वहाँ से आधे से नहीं क्या नीला नीला है एंड इधर से ब्लैक ब्लैक, कितना प्यारा व्यू लग रहा है वहाँ से देखो ना, है क्या नहीं। तो यह है टावर हमारे गांव का। मैं कॉलेज में तो आया हूँ बट कॉलेज में कोई भी बंदे आए नहीं है, मैं और मेरा एक फ्रेंड है हम दोनों ही आए सिर्फ, मतलब कॉलेज का टाइम है 8 बजे, लेकिन 8 बजे तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे देखो एक भी बंदा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के यशवंत है और मैं, मतलब हम दोनों ही है। देखो एक भी बंदा नहीं है, मतलब कॉलेज का टाइम हो गया है बट कोई भी आया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी घर में चला जाऊँ। देखो गाइज सिर्फ 3 ही बंदे अभी धीरे धीरे आ रहे। सो गाइज मैंने कॉलेज में मतलब कॉलेज जैसे ही पहुँचा वैसे ही मैंने सर को कॉल किया था बट उन्होंने कहा कि आज कॉलेज में छुट्टी भी हो सकती है, तो मैं जा रहा हूँ वापस। मज़ा आ गया मेरे को, छुट्टी मिल गई, अभी जा रहा हूँ घर। सो गाइस देखो रास्ते पे एक भी काला कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, देखो इधर उधर सब सुनसान जगह यहाँ पे। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ घर। और गाइस ये नांदगांव का पेट्रोल है, यहाँ पे जिससे गाड़ियाँ खड़ी होती है, मतलब ट्रक आप बोल सकते हैं इसको। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर। ओ भाई कितने सारे ट्रक है गाइस यहाँ पे, बहुत सारे ट्रक है, एक के पीछे एक। मतलब एग्जैक्टली कितने होंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली तो मैंने भी गिना नहीं है लेकिन जरूर गिनूंगा जल्दी से। देखो एक दो तीन चार पाँच, मतलब कम गाइस धीरे धीरे, मतलब आसमान खुलता जा रहा है ऊपर देखो। सो
सो धीरे धीरे आसमान खुलते जा रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी घर वापस, क्योंकि सर को कॉल किया था मैंने, बट उन्होंने कहा कि जाओ अभी कोई आने वाला नहीं, तो चलो मैं जा रहा हूँ अभी घर पे अकेला। सो गाइज ये कुछ तो भी नया दिख रहा है यहाँ पे, ये डंबल्स गोल गोले कुछ तो भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ये क्या है, इसका यूज़ भी क्या है, काफ़ी दिनों से यहाँ पड़ा है और रोड के साइड भी है, ये देखो इधर यहाँ पे। तो गाइज मेरे बाल काफ़ी बिखर गए, देखो घर से कैसे करके आया था और यहाँ पे कैसे भीग के पूरे पचका हो गए बाल। और गाइज आपको मैं बात बताता हूँ, मैं जहाँ से जा रहा हूँ वो जगह काफ़ी सुनसान है। बहुत ही सुनसान है गाइज, इस रास्ते पे मैं सिर्फ अकेला हूँ और देखो आगे पीछे मेरे कोई भी नहीं है। डर लग रहा है मुझे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे, मतलब कॉलेज का टाइम के ऊपर से हो गया, अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा, तो अभी घर पहुंचते हैं फिर बातें करते हैं। ओके मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मतलब मैं ब्लॉग बना नहीं रहा था, तो क्या इसने ब्लॉग छोड़ दिया बनाना, क्या ये बना क्यों नहीं रहा, क्या व्यूज़ कमा रहे, ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं है। मतलब देखो गांव में तो सब कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है जैसे शहरों में होता है, तो कैसे उतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो गांव में कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं मतलब उतना इंटरेस्ट लेके बना नहीं रहा था, जो कुछ भी था गांव में दिखाने लायक उतने सारे में ब्लॉग बना दिए थे, तो अभी कुछ नहीं रहा तो मैं बनाना मतलब बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं चैनल बंद नहीं किया मैंने, तो वो यही चैनल आगे जाके इसी चैनल पर मैं ब्लॉग बनाऊँगा बाहर जाने के बाद। तो आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ब्लॉग बनाना बंद नहीं किया है, अक्सर यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं गांव में, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। सो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अभी ये ब्लॉग नहीं बना रहा तो हार गया तू, ब्लॉग मतलब लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, मतलब मैं ही खुद बोर हो रहा था एक ही एक मतलब गाँव में दिखाने के लिए, तो मैं ही बोर होके मैंने फाइनल किया कि अभी फ़िलहाल ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, अभी जैसे मैं बाहर जाऊंगा कहीं भी तभी ब्लॉग बनाऊंगा और डालूंगा। गाइस मैंने कुछ पौधे लगाए हैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, वो काफ़ी अभी बारिश का टाइम है ना, तो काफ़ी अच्छे हो गए, हरियाली हरियाली हो गई है। सो गाइस देखो ये है सीताफल का पेड़ जो मैंने लगाया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और उसके साइड में ये है नींबू का पेड़, लेमन का है, काफ़ी हरियाली हो गई है, देखो कितना बड़ा हो गया है, इतना सा था तभी लगाया था मैंने इसको, काफ़ी बड़ा हो गया आजकल। और इधर एक भी, इधर भी एक है, और ये है आम का पेड़। सो गाइज आप लोगों को भी लगाना चाहिए, हर घर में एक एक पौधा होना चाहिए। तो और भी है आपको दिखाऊंगा, ये जो आपको पेड़ दिखा है मैंने वो फल के हो गए, और अभी फूल है, फूल के दिखाऊँगा आप लोगों को, जो मैंने 2-3 दिन पहले लगाए थे फूल के, काफ़ी अच्छे फूल के हैं, देखूंगा आप लोगों को। देखो गाइस ये है मोगरा, और ये रेड वाला पता नहीं कौन सा फूल है, ये पता नहीं, जाने दो इसको। और ये देखो ये भी, इसका भी नाम पता नहीं क्या है, और ये भी है, इसका भी नहीं पता। और अपना ये है गुलाब, ये गुलाब, और इसका भी नेम नहीं पता, ये भी कौन सा पेड़ है, 2 दिन पहले लगाया था इसको, ये गुलाब है और इसका भी पता नहीं क्या है। तो गाइस देखो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो गाइस 3-4 है, कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, मतलब लग ही नहीं रहा कि अभी बज गए होंगे, अभी अभी देखो ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 6 बज रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बज रहे 10:30 के
ऊपर हो गए हैं, मतलब 11 बजने के समय आ गए हैं। और गाइज आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ, क्योंकि आज का मेला पहला दिन है, काफ़ी महीनों के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, हो सके तो जितना हो सके मेरे से उतने अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 गाइस।